नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी की बंपर बहालियां आई है, जिनमें बिहार के युवाओं को भी मौका मिल रहा है। दसवीं लेवल पर अगर कोई सरकारी जॉब लग जाए तो छात्रों को अपने भविष्य संवारने का एक बेहतर विकल्प मिल जाता है। यहाँ से वे अपने भविष्य की उड़ान भर सकते हैं। इसलिए अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहे अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं कि दसवीं लेवल की बहाली निकाली जाए, और जब भी ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो छात्र छात्रा यह मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि कई बार जानकारी के अभाव में तैयारी में लगे अभ्यर्थी ऐसी वैकेंसी के बारे में ज्यादा पता नहीं कर पाते हैं और वे आवेदन करने की अंतिम तारीख खत्म होने के बाद अफसोस करते रह जाते हैं। ऐसे में हम आपको अफसोस करने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। केंद्र सरकार की बहालियों में दो ऐसी बहालियां आई है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए आपको इन बहालियों के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय डाक की तरफ से निकाली गई बंपर बहालियों के बारे में, जिसमें दसवीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार में भी ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पदों पर आवेदन हुए थे। ऐसे में जो छात्र इससे छूट गए उनके पास पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का मौका है। भारतीय डाक में विभिन्न सर्कल में भर्तियां आ रहे हैं, लेकिन बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल में नौकरी हो जाना बिहार के अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस सर्कल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों GDS के 4264 पदों पर बहाली होगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अगस्त 2021 से ही शुरू है और यह अगले महीने 22 सितंबर तक जारी रहेगी। बात अगर योग्यता की करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही 10वीं तक हिंदी विषय का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के पास कम से कम 60 दिनों की अवधि का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करने का अनुभव होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बताते चले कि इन पदों पर बिना किसी परीक्षा के लिए ही भर्ती हो जाएगी। यह भर्ती अभ्यर्थियों के 10वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर ली जानी है। अधिसूचना के मुताबिक BPM के लिए 12,000 रुपए से 14,500 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जाएगी, तो वहीं GDS ABPM के लिए 10,000 रुपए से 12,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। तो बिना देर किए आप 22 सितंबर से पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाकर आवेदन करिए। दूसरी वैकेंसी भारतीय सेना के लिए आई है, जिसमें बिना परीक्षा के ही नौकरी मिल जाएगी। इसके तहत BSF कांस्टेबल भर्ती के 269 पदों पर भर्ती हो रही है। कांस्टेबल की यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से हो रही है। इसके लिए स्पोर्ट्स से जुड़े महिला या पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो यह 18 से 23 साल निर्धारित की गई है। इसके लिए स्पोर्ट्स योग्यता भी मांगे गए हैं, जिसके तहत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल जीता है या भाग लिया है, वे इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट recwt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।